विकास जी ने हमें कॉल किया है अंबाला से। विकास जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार अतुल जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मुझे अपने मदर के लिए पूछना है सवाल। उनकी एज 75 ईयर्स है और उनको शुगर की प्रॉब्लम है और उनकी जो सुबह बिना नाश्ता किए वाली शुगर है वो काफी हाई आती है, 250 के करीब आती है, 250-250 के करीब आती है। तो एक तो उनकी ये प्रॉब्लम है, दूसरा उनके एडी में जो है एडी उनकी हमेशा सूजी रहती है। हमने काफी जगह पे दिखाया है लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, एक्सरे भी करवाए हैं लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं पता लग रही जी। ठीक है विकास जी, बहुत अच्छी उम्र में हैं आपकी मम्मी और बहुत अच्छे बात है कि उनका बेटा उनके बारे में ऐसी सोच रखता है कि उनको तकलीफ आसान होनी चाहिए। तो देखिए इतनी मोहब्बत ज़रूर करें सब लोग जितने विकास अपने माता जी से करते हैं। तो देखिए शुगर का एक मैं दवा बताता हूँ, एक रॉ मटेरियल ही है समझ लीजिए, एक सिरका आता है जैतून का सिरका, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम 1 गिलास पानी में मिला के पिलाया करें। उनकी शुगर जितनी होनी चाहिए उतनी रहने लगेगी, ऐसा मेरा तजर्बा है। लेकिन वो दवाएं भी खिलाएं जो आप खाते हैं, उसे भी छोड़ें नहीं। और एड़ी के दर्द के लिए गौंद स्याह अगर मिल जाए, असली गौंद स्याह, ये कड़वा होता है और काला होता है, यानी ब्राउन सा होता है, इसलिए इसको काला गौंद या गौंद स्याह कहते हैं। ये आधा आधा ग्राम सुबह शाम बगैर चर्बी के दूध से पानी से खिला सकते हैं आप। 100 ग्राम भी अगर असली मिल जाए, असली की बड़ी वो है, शिनाख्त होनी चाहिए और पहचान होनी चाहिए। असली मिल गया तो 100 ग्राम गौंद भी अगर आपको असली मिल गया तो वो ख़त्म होने से पहले आपकी माता जी का दर्द ख़त्म होना मुमकिन है।